रायपुर का, जहां दो दिवसीय पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आयोजन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया जा रहा है। और उसके लिए कुछ करना भी चाहते हैं। एक सुबह का जब पत्रकार स्वतंत्र होगी पत्रकारिता करता था, संपादक उसमें थोड़ा बहुत सुधार कर देते थे, लेकिन आज न पत्रकारों की सुनी जाती, न संपादक की सुनी जाती, जबकि एजेंडा सेट करने का काम मीडिया के मालिकों का, क्या दिखाना है नहीं दिखाना है ये पत्रकार तय नहीं करते, मीडिया के मालिक। आज जो कुछ भी दिख रहा है या जो कुछ भी छप रहा है या हम कुछ देख पा रहे हैं, वैसा ही नहीं दिख रहा है, वैसा ही नहीं छप रहा है जैसे पत्रकार अनुभव। अभी अगर वर्धन में जब प्रथम पत्रकार सम्मेलन हुआ जिसमें नेहरू जी को आमंत्रित किया गया, 100 रुपये के चेक भेज दिया गया, उसे आज तक रखा गया, चलिए साहब आज तक की जितनी समस्याएं हैं देश में उसके लिए जिम्मेदार नेहरू जी थे, एक और जिम्मेदारी नेहरू जी की आप बने कि आपको प्रदर्शन पहले काम पर नेहरू जी है। देश से आजादी की लड़ाई में बहुत कम समाचार पत्र निकलते थे, गांधी जी लिखने का काम करते, उन्होंने तो अपना यंग इंडिया और रिजर्व पत्र ही निकाला था, सरदार भगत सिंह जी भी सतनाम से गांधी का ये लेख लिखा करते थे, नेहरू जी नेशनल डायलॉग के माध्यम से अपनी बात करते थे, लेकिन ऐसे भी पत्रकार थे, ऐसे भी समाचार पत्र निकलते थे, साप्ताहिक पाक्षिक, जो अंग्रेजी के संबंध में इस प्रकार से भेद डाला गया है, उसी भी गणिती लगती थी। देश के निर्माण में विचारधारा की लड़ाई में मीडिया का बड़ा योगदान और पत्रकारों का बड़ा योगदान, न उसे बुलाया जा सकता, न उसे कम किया जा सकता, कहना चाहूंगा कि पत्रकारों के ऊपर बहुत हमले हुए हैं देश में भी प्रदेश में, और इसके मांग उठती है कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए, और इसके लिए हमने संबंधित देवी भी और जैसे रिपोर्ट मिलेगी उस देश का बड़ा निर्णय आप लोग खड़े होकर के खड़े होकर के बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, पत्रकारों के अधिमान्यता की बात आती है, जब कोई घटना घट जाती है कोई बड़ी अच्छा लेख होता है, मीडिया को बोलते कि हमारा पत्रकार, और कोई घटना घट जाए पुलिस केस हो जाए तो फिर मीडिया से निकलते कि भैया हमारा थी,
और उसके अधिमान्यता केवल न केवल प्रदेश स्तर पे, न केवल संभाग स्तर पे, न केवल जिला स्तर पे, बल्कि छत्तीसगढ़ में अस्लाक स्तर पर भी अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार होंगे। पत्रकार पूरे जीवन भर समाज के दर्द करता है, समाज के संगतियों की क्या पढ़ाई करता है, और जब शरीर खो जाता है समाज ऐसी स्थिति में हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले रिटायरमेंट के लिए 65 या 63 सरकार में 5,000 रुपया मासिक सम्मान निधि लगा था और केवल 5 वर्ष लिए हमने उसे 5,000 बढ़ाकर 10,000 पांच वर्ष की जो अवधि है उसे बढ़ाकर ये तो होंगे जो रिटायरमेंट की बात है, लेकिन जो रिटायरमेंट नहीं हुए नौजवान है उनके लिए भी हमने पिछली सरकार में 5,000 से 50,000 तक के इलाज के लिए राशि देने की व्यवस्था की थी। हमने उसे बढ़ाकर 10,000 से 2 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा क्योंकि जितना आप स्वास्थ्य लाभ पर प्रभाव से परेशानियों से जितना ही आप निश्चिंत होंगे उतने ही अच्छे ढंग से समस्याओं के बारे में सोच सकते हैं, समय दे सकते हैं और सही बात समाज के सामने ला सकते हैं। और इससे जो तो आपको ये सीधी तस्वीरें हम छत्तीसगढ़ के रायपुर से दिखा रहे थे, जहां छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट यूनियन ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन का आयोजन यहां पर किया है, जिसके मुख्य अतिथि भूपेश बघेल रहे, जहां पर उन्होंने पत्रकारों के हित में कई बातें की।